और प्रदूषण के मसले पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। माना जा रहा है कि आज अदालत केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ ही एनसीआर रीजन के राज्य सरकारों के लिए सख्त आदेश जारी कर सकती है। देश की राजधानी दिल्ली दमघोटू हवा से बेहाल है, जहरीली हवा से सांसों पर संकट मंडरा रहा है। प्रदूषण से हालात बेकाबू होने के बाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। एमसीडी का जिक्र करते ही दिल्ली सरकार के वकीलों को जजों ने डांटा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सख्त लहजे में कहा कि अगर वो ऐसे बहाने बनाएंगे तो हम ऑडिट का आदेश देने को मजबूर हो जाएंगे। केंद्र की ओर से जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान सिर्फ 10% है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर ये हाई तौबा क्यों है। कोर्ट ने कहा कि जब पराली वजह नहीं है तो बाकी जो समस्याएं हैं उन्हें ठीक करने के लिए कदम उठाइए। साथ ही एससी ने बाकी राज्यों से भी प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जवाब मांगा है। प्रदूषण के मसले पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक आज कोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ ही एनसीआर रीजन की राज्य सरकारों के लिए सख्त आदेश जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि किन उद्योगों को रोका जा सकता है, किन वाहनों को चलने से रोका जा सकता है और किन बिजली संयंत्रों को रोका जा सकता है और राज्य सरकारें वैकल्पिक बिजली कैसे उपलब्ध करा सकती हैं जिससे कि प्रदूषण में कमी आए। प्रदूषण से बिगड़ते हालात की वजह से दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने DDMA को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए 500 से 700 प्राइवेट बसों को हायर करने का प्रस्ताव दिया गया है। DTC क्लस्टर बसों में खड़े होकर यात्रा करने देने की मांग की गई है। तो इससे पहले दिल्ली सरकार एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का आदेश दे चुकी है। तो सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, राजधानी में इस दौरान कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और सरकार के उठाए कदम के बाद राजधानी में प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिली है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर पहले के मुकाबले कम रिकॉर्ड किया गया है। एक तरफ प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है तो दिल्ली सरकार के उठाए कदम अब असर दिखाने लगे हैं। कई दिनों से पॉल्यूशन से मचे कोहराम के बीच अब प्रदूषण कम हो रहा है। दिल्ली में PM2.5 की मात्रा 331 दर्ज की गई है। हालांकि ये स्तर भी काफी खराब माना जाता है, लेकिन बीते कुछ दिनों के मुकाबले ये कम है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये और नीचे जाएगा जिससे लोगों को राहत की सांस मिलेगी।